आशु शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान में चंदन नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वर्ष 2006 से कई स्थायी वारंटी फरार चल रहे थे। गौरतलब है कि इंदौर कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी दामिनी अभियान चलाते हेतु निर्देशित किया गया है। उसी को देखते हुए थाना चंदन नगर ने देर शाम वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें क्षेत्र की सभी स्थायी वारंटी की तलाश की गई है, जिसमें लगभग 15 स्थायी वारंटियों को पकड़ा गया है। और पकड़े गए आरोपियों में यह सभी आरोपी कई वर्षों से फरार चल रहे थे। कोर्ट से वारंट निकलने के बावजूद भी यह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। फिलहाल अब पुलिस इन्हें पकड़ लिया है और अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है स्थायी वारंटियों की धरपकड़ का, जिसके तहत हमने कल शाम से 5 टीमें बनाई थी थाना चंदन नगर क्षेत्र अंतर्गत। वो 5 टीमों को थाना चंदन नगर के जो करीब 10-15 सालों से फरार स्थायी वारंटी है उनकी सूची दी गई और लगातार रात में पूरे हर स्थानों पर उनकी दबिश दी गई। और दबिश के बाद सुबह प्रभात गश्त रात्रि गश्त में हमें ये सफलता मिली है कि करीब 15 स्थायी वारंट हमने पकड़े हैं, जिनमें धारा 327 चोरी के, मारपीट के, मानसिक रूप से प्रताड़ना करने के, 498 के आदि सभी प्रकार के स्थायी वारंट हैं और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। ये सभी पूर्व के इनके अपराध है और कोर्ट में पेशी जाने से वंचित हैं, और पेशी जाने से वंचित होने के बाद इनका न्यायालय माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया है और सभी स्थायी वारंट हैं, सभी अपराधों में पूर्व में लिप्त हैं।